नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बादशाह खाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो बनाया था कि ना मनोज जी मुझे कमेंट कर रिप्लाई देता है, ना इसरार मलिक जी अपना रिप्लाई देते हैं, ना टेक्निकल योगी जी रिप्लाई देते हैं। तो ये ऐसा ही कि मैंने यूनिक क्लिक बेट करने के लिए वो वीडियो बनाया था। तो मुझे अच्छा लगा कि कल मेरे उस वीडियो को देखने के बाद मुझे टेक्निकल योगी जी ने मुझे रिप्लाई दिया और उन्होंने बहुत अच्छा एक रिप्लाई दिया है। मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे टेक्निकल योगी जी ने मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे रिप्लाई किया। रिप्लाई क्या लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग अवर सिचुएशन। यह बहुत जरूरी था कि एक बड़े क्रिएटर मुझे कमेंट कर दे, क्योंकि एक अच्छा और एक सच्चा इंसान होने के नाते इन्होंने मुझे पहले भी एक बार कमेंट किया था, आज से 4-5 महीने पहले। जब इनको बच्चा बेटा हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा एक वीडियो बनाया था कंग्रेचुलेशन देने के लिए, तब भी उन्होंने रिप्लाई किया था। आज भी एक वीडियो बनाया हूँ, तो कल एक वीडियो बनाया था तो कल के उसका रिप्लाई दिया है। रिप्लाई ये हर एक का देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, सबका देते हैं। लेकिन मैंने कल बनाया कि हर वीडियो के ऊपर हर कमेंट का वो जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि बड़े क्रिएटर होने के नाते उन पर भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो में इस तरह इसलिए बना रहा हूं कि कल आप अपने वीडियो को सर्च रिजल्ट में कैसे ला सकते हैं, सजेशन में किस तरह ला सकते हैं, ब्राउज फीचर में तो जाएगी जाएगी, लेकिन सर्च रिजल्ट में किस तरह ला सकते हैं, कौन से कीवर्ड हैं वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आपकी वीडियो भी फर्स्ट सेकंड यानी कि टॉप 10 वीडियोज के अंदर आपकी अगर सर्च में आ जाती है, और आप किसी वीडियो के नीचे जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं, जैसे ही वीडियो प्ले करने के बाद जब से उसके नीचे सजेशन में आ जाती है, तो आपके वीडियो वायरल होने के 100% चांसेस रहते हैं। तो मेरी वीडियो कल की वीडियो जो है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स के सजेशन में, उनके वीडियो के सजेशन में जा रही है और सर्च रिजल्ट में भी आ रही है, वो किस तरह आ रही है, क्या किया, कौन से कीवर्ड को इस्तेमाल किया, तो मैं बताता हूँ। आप भी अपने वीडियोज को इसी तरह कीवर्ड को, आपके टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड को आप अपने टैग डिस्क्रिप्शन और टाइटल में यूज करके आप अपने जो वीडियोस को आप यहां पर रैंक करा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा ट्रिक है। 2020 में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस ट्रिक को आजमाया है और बहुत सारे इस ट्रिक के वीडियोज भी बने हुए हैं, यानी कि सचिन भाई है और ये टेक्निकल है, वो भाई है, और बहुत सारे लोगों ने इस ट्रिक को बताया है। इसलिए मैं भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने चैनल में, आप अपने वीडियोस के अंदर ये ट्रिक आजमा कर अपने चैनल की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियोस की रैंकिंग बना सकते हैं, अपने चैनल को बूस्ट करवा सकते हैं। तो जो देखते हैं वो कौन सा वीडियो है, वो कौन से टैग हैं जो आप यहां पर यूज करके आप उसको अपने वीडियोस को सजेशन में ले जा सकते हैं। और अब देखो, मैंने टैग में डाला हाउ टू प्रमोट यूट्यूब चैनल फॉर फ्री 2020, ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। ये कीवर्ड को लाकर मैंने यहाँ पर YouTube में सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, वेब बेस्ट चैनल का ये जो टाइटल था जो मैंने अपने डिस्कशन में यूज किया, इसको यूज करने के बाद इनकी जब वीडियो को जब कोई क्लिक करता है, इस वीडियो को जब क्लिक करने के बाद नीचे जाइए स्क्रोल कीजिए, स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर मेरा वीडियो आ जाता है सजेशन में, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह सजेशन में आने के बाद कोई भी बंदा, अगर हो सकता है आप नवा मोबाइल या नए जीमेल आईडी से कोई भी नया बंदा अगर सर्च करेगा वेब भाई की, या इस कीवर्ड को सर्च करेगा जो मैंने अभी सर्च किया है, उसको सर्च करने के बाद भी यहाँ पर मेरा वीडियो उनको सजेशन में दिखाएगा। हो सकता है आपको सर्च लिस्ट में फर्स्ट पेज पर भी दिखाए, तो हो सकता है। तो और दूसरा मैंने कीवर्ड यूज किया था हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, उसको मैंने सर्च करने के बाद मेरे को यह रिजल्ट मिला। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे स्क्रीन पर चैनल हाउ टू प्रमोट यूअर न्यू यूट्यूब चैनल, इसको मैंने सर्च करने के बाद यहाँ पर सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा। तो देख लीजिए कौन सा कीवर्ड काम करता है, कौन सा कीवर्ड काम नहीं करता, वो आपको मैं बता रहा हूं। अब भाई कि मैंने ये वीडियो को ओपन कर लिया, फर्स्ट की जो वीडियो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद नीचे जाइए इसमें भी नहीं आ रहा। देख लीजिए नहीं आ रहा। अब मैंने इसरार भाई का भी नाम लिया था, तो इसरार भाई का भी मैंने टाइटल में भी डाल दिया, टैग में भी डाल दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका नाम डाल दिया। तो मेरा थर्ड नंबर पर इसरार इंजीनियर अगर कोई अगर सर्च करता है नया बंदा, तो वहां पर थर्ड नंबर पर भी मेरा यहाँ पर वो वीडियो लोगों के सामने आ जाएगा, तो ताकि उससे मेरे व्यूज पर, मेरे वीडियोज पर क्लिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं यहाँ पर मनोज डे लिख लेता हूं। अब मनोज डे लिखने के बाद मेरा यहाँ पर वीडियो सर्च में नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि ये इस पर हमारे सर्च लिस्ट ज्यादा होने के बावजूद यहाँ हमारा वीडियो सर्च में नहीं आता। मनोज डे का मैंने टैग भी यूज किया है
और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका नाम यूज किया और टाइटल में भी नाम अपना उनका यूज किया है, फिर भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसको नए जीमेल आईडी से मैं यहाँ पर इसको लॉग इन करूंगा नया यूट्यूब। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर सर्च करेंगे हम लोग, देख लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ आपके सामने। अब मनोज डे मैंने सर्च किया, मनोज डे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देख लीजिए थर्ड नंबर पर मेरा वीडियो आ रहा है। तो इसी तरह नया, जब जो भी नया बंदा जब भी बड़े क्रिएटर का अगर नाम सर्च करता है तो वहां पर मेरा वीडियो भी उनके सामने हो जाए, आ जाएगा। तब आने के बाद मेरे वीडियो पर भी यहाँ पर क्लिक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह आप भी किसी भी बड़े क्रिएटर के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए बुरा भला मत कीजिए। हर क्रिएटर यहाँ पर बड़ी मेहनत करके बैठा हुआ है, हर क्रिएटर दिन रात मेहनत कर रहा है यहाँ पर। जो भी बड़ा क्रिएटर ऐसे ही नहीं बनाया, बड़ी मेहनत करने के बाद बड़ा क्रिएटर बनता है। आप भी अगर उनकी तरह अगर अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं तो सही कीवर्ड, सही टैग डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। नहीं आता है तो बहुत सारे मनोज डे के वीडियोज हैं और बहुत सारे सचिन के वीडियोज हैं और ये टेक्निकल के वीडियोज हैं और टेक्निकल योगी के वीडियोज हैं, इसरार मलिक के वीडियोज हैं, उनकी आप वीडियोज देखकर किस तरह आप टैग बना सकते हैं, किस तरह आप सर्चेबल कीवर्ड को अपने टैग में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में यूज करके अपने वीडियोस को रैंक करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत बाकायदा बहुत बड़े बड़े और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनाकर हमारे सामने रखा है। तो उन वीडियोस को आप सर्च करके उनको देख कर आप सीख सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको किस तरह के कीवर्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने अगर कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, हमारे पूरे वीडियो देख लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मेरे चैनल को भी बूस्ट मिल जाए। अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में डाल दीजिए कि मैं आपका प्रमोशन करूँ। सिर्फ अपना अच्छा सा एक कमेंट लिख देना, प्रमोशन बोलकर भी मत लिखना और अपना चैनल का लिंक भी मत डालना। आप यहाँ पर हमारे चैनल को वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, तो ताकि मैं आपके वीडियो को चेक करने के बाद, आपके चैनल को चेक करने के बाद, मेरे एक बड़े चैनल है, बड़े चैनल के अंदर आपका मैं प्रमोशन जरूर करूंगा। 100% नहीं 1000% मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।